अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफ़ी लोगों के मैसेज आए लास्ट वीडियो में कि कैसे हो सर, मैंने वैसे उस वीडियो में बताया था, मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ। ये देखिए जो चोट लगी थी, ये देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पे अब काफ़ी फ़र्क है, दर्द बिल्कुल नहीं है। दवाई मैं रेगुलर ले रहा हूँ और मैंने सारा ट्रीटमेंट जो है करवा लिया था। डॉक्टर कह रहे घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, टाँके वगैरह नहीं लगेंगे। तो बस अब जहाँ मैं आया हूँ वहाँ पे अब भतीजे की छठी है कल, तो मैं बस तैयारी में लगा हूँ। साथ में जो भाई बेटा हुआ है, अब हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं यूसुफ भाई? आ जाओ यार कैमरे में, आ जाओ भाई। वेलकम टेंट हाउस। अच्छा, वेलकम टेंट हाउस, तो वहाँ से हम टेंट वेंट का सामान लेंगे। अभी हम बैलून भी लेके आए सजावट के लिए, तो वो भी हम अभी देख के सबको सजावट से सजाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसा लगा, आप लोग बताना कमेंट्स। हाँ, और दूसरी चीज़ अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, पार्किंग है ना अपनी, अपना बेसमेंट है, बेसमेंट में पार्किंग है, वहीं पे मतलब प्रोग्राम करेंगे, उसी में प्रोग्राम करेंगे, तो दिखाएंगे काफ़ी। आपको तो मालूम ही है कि दिल्ली से तो काफ़ी बड़े बड़े घर होते हैं। ये देखिए एक झलक जरा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, पीछे तक गैलरी है, मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ, रोशनी आ रही है देखिए। और यहाँ पे देखिए बेटी खेल रही है, बड़े बड़े भाई की, ठीक है, कज़न ब्रदर की। काफ़ी लंबा चौड़ा घर है और पार्किंग उसकी बहुत बढ़िया है। भाभी हमारी रोटी बना रही हैं, भाभी भाभी की बहन, ये देखो यहाँ रोटी बन रही है। कुलसुम, अरे तुम नेपाली में रोटी बनाने को क्या बोलते हैं, बोलियो। ये देखो नेपाल में रहती है, अच्छा नेपाली में बता नहीं पाएगी, बोलती तो है, तो पढ़ाई भी नेपाल में करती है, कुछ बोल दे। तो चलो ये लोग बिजी हैं, अभी हम चलते हैं और क्या नाम है, आपको एक एक दिखाएंगे डे बाय डे कैसा रहता है हमारा मतलब जर्नी। और अभी तो हमारा प्लान भी नहीं है कहीं पे जाने का, जब ये छठी हो जाएगी बेटे की, फिर उसके बाद हम अपने कस्बे भी जाएंगे। अपना मेन जो कस्बा है ना हमारा, वो है शीशगढ़, तो शीशगढ़ जाएंगे, और भी जगह घूमेंगे, वो सब आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे कहीं पे मतलब काम चल रहा है, तो शोर शराबा बहुत ज़्यादा है, आप सब लोग आइएगा। हाँ, सबकी दावत है, चलिए ओके जी। तो दोस्तों अभी मैं यूसुफ भाई के साथ कुछ ऑर्डर देके आया हूँ टेंट वाले के यहाँ पर, और भी कहीं गया था साथ में, लेकिन अब मैं अपनी बुआ के यहाँ पर आया हूँ मिलने के लिए। तो अपनी बुआ के यहाँ पर मैं आया हूँ, और यहाँ पे जो उनकी बेटी है ना, वो करती हैं हाथ की कढ़ाई का काम, शायद उसे कारचो भी कहते हैं, वो जो भी है वो बताएगी। और अभी कुछ ना सेटिंग कर दी है वो उसकी दिखाने के लिए, तो मैं आपको अभी एक झलक दिखा देता हूँ, उसके बाद वहाँ पे वो करके दिखाएंगे, आप देखना कितना बढ़िया काम है। और मैं बताऊँगा कि उनको कितने रुपये मिलते हैं। यहाँ गर्मी भी बहुत हो रही है और वहाँ पर ना फ़ैन चल रहा है, तो अभी फ़ैन भी बंद करवाऊँगा, थोड़ा उनको गर्मी तो लगेगी, लेकिन ब्लॉग में आप आवाज़ क्लियर सुन पाएँ इसलिए ये चीज़ करनी पड़ेगी। फिर अपना जो है जो यूसुफ भाई का घर है, थोड़ा बाहर से उसका घर दिखाऊँगा, उनका बेसमेंट दिखाऊँगा जहाँ पर हम सजावट करेंगे सब कुछ। तो अभी मैं सिर्फ इनका जो कारचोबी का काम है ना, जो कि हमारे काम के रिलेटेड है, आप देखो कि कितना मेहनत का काम होता है वो, आप देखोगे ना आप खुद कहोगे कि वाकई में, क्योंकि जो मैंने प्राइस सुना ना, तो मुझे ऐसा लगा, मैंने तो ये तक बोल रखा है कि ये काम तुम किया ही मत करो, मेरे से पैसे ले लिया करो, लेकिन नहीं, वो कहती है कि घर में टाइम पास हो जाता है इसलिए। तो चलिए मैं एक झलक आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये इस तरीके का अड्डा होता है और इस पर ये कढ़ाई करती हैं बहनें, बुआ की तीन लड़की हैं, तीन बहनें। ये देखिए आप काम देखिए, ये इस तरीके का काम है। और अभी ये कुछ सेटिंग कर रही हैं, ठीक है, एक बार अच्छी तरीके से बिठा के फिर ये अभी आपको करके भी दिखाएंगे, आप देखना। और कितने मीटर की होगी कुछ तेरे को आइडिया है ये है बेटा? अच्छा, 3 मीटर की पूरे के पूरे तुम्हें बॉर्डर करना पड़ता है जैसे दुपट्टे के उसमें, है ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके का, देखिए इस तरीके का प्रिंट हो जाता है इस पर, इस प्रिंट पे ये आपको शायद दिखता हो, थोड़ा सा फर्श वैसे ही है, अभी मैं दिखा दूंगा आपको। ये देख लो आप, प्रिंट जितना भी है ये इस पूरे प्रिंट पे अच्छी तरीके से यहाँ पे हाथ से ये काम करते हैं। थोड़ा सा माल इसका ख़त्म हो गया था, तो थोड़ा माल है, वो माल से ये आपको दिखाएंगे अभी कि किस तरीके से काम करते हैं। तो ये आपको मैं पूरा वर्क दिखाऊंगा, आप देखना इसके अंदर कितनी मेहनत होती है जो हाथ का काम होता है। तो दोस्तों इन्होंने देखिए अड्डा लगा दिया, इसको अड्डा कहते हैं ना, तो अड्डा लगा दिया इन्होंने और अभी यहाँ पे काम करेंगे। काम करने से पहले आप देखिए इन्होंने क्या क्या सेटिंग कर रखी है। यहाँ पे बाल्टी में पानी भर के, एक पंखे को बंद कर दे उस्मान, इसमें बाल्टी, क्योंकि आवाज़ सही नहीं आएगी ना, यहाँ पे बाल्टी के अंदर पानी भर के इन्होंने इस तरीके से रोका। यहाँ पे जो है तेल का खाली टीन रख दिया इसके, और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से अड्डे को फंसा दिया। और अभी ये यहाँ पे देखिए ये कट दाना है और ये मोती होंगे, ठीक है। अब ये देखिए सबसे पहले ये सबसे छोटी बहन है बुआ की लड़की, आरिफा, मेरा नाम आरिफ है, इसका नाम है आरिफा। और उसके बड़ी जो बहन है ये मुस्कान,
और ये तीसरी सबसे बड़ी जो है गुलफ्सा, सही है ना नाम? हाँ, तो ये क्योंकि गुलफ्सा नाम की ना मेरी तीन बहनें, मामा की लड़की भी गुलसबा गुलसाना, तो मैं उसमें ना कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, तो गुलफ्सा है ये। अब ये देखिए आपको काम करके दिखाएंगी, अपना अपना काम बताओ, तू क्या करेगी, क्या चिपकाएगी, दिखा चिपका के। ये देखो इनकी मेहनत देखना, और अभी मैं आपको बताऊंगा 3 मीटर का ये पीस है, और इनका काम देखना, और जब मैं आपको प्राइस बताऊंगा ना तो आप देखना शौक हो जाओगे बिल्कुल एकदम। अब देखिए इन्होंने इस तरीके से रखा। अच्छा ये मेहंदी की कीप की तरह इसके अंदर क्या चीज़ है? अच्छा ट्यूब है, क्या चाहिए बता दे, कोई दिक्कत नहीं, बता कैंची दे दो। अच्छा वो कैंची लेके काटेगी, जब तक इसका कट दाना भरना दिखाता हूँ। देखिए कट दाने हैं, ये देखो दिखाई सुई दिखाई एक बार, ये इस तरह 3 सुई हैं, इन 3 सुइयों से देखो ऐसे करेंगे ऑटोमेटिक इसमें सेट हो जाते हैं, तो उसको अलग रख दिया। अच्छा ये हो गया, चल तू अपना काम दिखा, पहले एक लगा के दिखा, तू कहती से कट कर ले, अभी मत करियो। ये देखियो देखिए अब इसके अंदर धागा कैसे डाला था, पहले का डाला हुआ था? हाँ, तो ये देखो अब आप इसका हाथ देखो कैसे चल रहा है, बड़ा फास्ट चला रही है। तुम्हान आदत होगी ना तेरी। बेटा कितने टाइम में सीखी थी ये? 3 महीने में। अच्छा 3 महीने में सीखी थी। हाँ। तो ये किसके पास जाती, कोई मतलब लेडीज थी सिखाने वाली? लेडीज थी। अच्छा लेकिन ये तार की कढ़ाई से हो रही है ना, धागे की? ये धागा है। हाँ। मेरे को तार लग रहा है, तार है ये, इसे प्लास्टिक का तार कहते हैं बेटा। हाँ इस ये प्लास्टिक के तार में ही होता है, गर्म प्रेस लगती है ना, तो ये सारे दाने झड़ जाते हैं। अब ये तो अपनी तरफ से तो बना नहीं रहे, इनसे जो बनवा रहा है वो प्लास्टिक के तार से बनवा रहे हैं। देखिए सबसे पहले इन्होंने बेल बनाई है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो कितनी जल्दी कवर कर दिया इसने। अब देखो ये फूल बना के दिखाएगी, ये पक्का किया था अभी? हाँ। अच्छा पक्का करने का, अब देखो ये फूल बना रही है, ये देखो ये पत्ती हो गई, फूल कहाँ हुआ, ये तो पत्ती है ना। हाँ, पत्ती बनती है। फूल तो अभी हम दिखाएंगे, ये देखिए अब ये देखो भरने का स्टाइल इसका वही है, तो पहले भरी वाली यूज कर लेती ना, कोई दिक्कत थोड़ी थी। तो ये देखिए इन्होंने कर दिया। अच्छा यहाँ पे करने के बाद इसे पक्का कर दिया? हाँ। अच्छा पक्का भी इतनी जल्दी कर दिया, पता भी नहीं चला मुझे। अच्छा दोबारा से स्टार्ट करियो, कहाँ पे कौन से करेगी बैल? अच्छा ये वाली पत्ती बनाएगी हम। तो भाई ये तो सबसे बड़ी बहन है गुलफ्सा, देखो कितनी एक्सपर्ट है अपने काम में, और इसका हाथ देखो कितनी तेज चल रहे हैं। तो इस तरीके से काम करते रहते हो जब खाली होते हो घर में, है ना। चलो तो ये इसका काम है, ये काम कर रही है। अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें सबसे छोटी वाली बहन आरफा का काम, तो आरफा दिखाओ चिपका के। ये देखो इन्होंने मेहंदी की कीप की तरह ये काट लिया, इस तरीके से इसने यहाँ पे गम लगा दी। ये सारा माल जो भी है जो बनवाते हैं वही देते हैं। अब देखिए इसके ऊपर ये एक एक करके रख रही है, तो ये तो अच्छी तरह चिपक जाता है, जैसे ये माल ये चिपका हुआ है। हाँ, ये बिल्कुल हिलेगा नहीं, है ना। तो इसके लिए तेरे को एक आइडिया बताऊँ, वो ले लेना एक 10 या 20 रुपये की पिन आएगी, उससे पकड़ के रखने में बहुत आसानी रहेगी, जल्दी काम होगा। चोड़ी वाली पिन आती है, तो इस तरीके से देखो इसका काम। तो ये तीनों बहनें मिलके करती रहती हैं जब खाली होती हैं। एक इन्होंने अपनी छोटी सी दुकान कर रखी है, वहाँ पे मेरी बुआ बैठ जाती हैं, और जो भाई है वो काम करता है। और अब दिखाएगी मुस्कान, तो मुस्कान बेटा तू भी एक बार अपना हाथ दिखा, तेरा हाथ कैसे चल रहा है, हम देखें तेरा हाथ भी। तो आप वर्क देख रहे हो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, एक हुनर हुनर होता है। यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ना अभी, तो मैं इसके जब प्राइस बताऊँगा तो आप प्राइस देखना, इन्हीं के मुँह से सुनना इसका कितना प्राइस होता है, कितने दिन में तैयार होता है। रुक मैं उधर जाता हूँ, कल यहाँ से दिख नहीं रहा, मैं इधर आ जाता हूँ। अच्छा क्या बात है, एक्सपर्ट तो तू भी है, तूने कब सीखा था, कितने टाइम में सीखा था काम? 5 महीने। अच्छा तेरे 5 महीने लगे। आरिफा तू कर लेती है काम या सिर्फ तू गम चिपकाती है? नहीं, नहीं, बना लेती हूँ। अच्छा तू भी बना लेती है, मतलब तीनों बहनें टैलेंटेड हैं। तो ये बहन से ही सीखा था या तू भी बाहर गई थी सीखने? बहन से सीखा था। अच्छा बाजी ने सिखा दिया था तेरे को। अच्छा तो सबसे पहले मतलब बेल बनानी होती है। तो देखो दोस्तों बस ये, अच्छा ये दिखाओ एक बार खाली वाली, इसमें ना मैं आपको दिखाऊं, इसके अंदर ध्यान से आप देखो, थोड़ा फोकस कर लेता हूँ मैं। ये देखो ये पिन जो है ना, ये इस तरीके से धागे को ऊपर की तरफ खींचती है, ठीक है, तो यहीं से धागा खींचता जाता है और ऐसे अंदर जाके ऊपर धागा खींच लेता, आप पिन देखो। तो ये कार चोबी कहते हैं ना इसको,
तो ये कहाँ जो भी होता है अब मैं फोकस कर लेता हूँ। अच्छा अब मेरे को सारी चीज़ ये बताऊँ, ये तो चलो सब कुछ दिखा दिया मेरे को, ये जो कपड़ा है ये 3 मीटर का है, ठीक है चलो मैं ऐसे बैठ जाता हूँ। कपड़ा है ये 3 मीटर का, मुस्कान नहीं आ रही, चलो मुस्कान नहीं तुम तो तेरा ही लेता हूँ मैं। 3 मीटर का कपड़ा है, कितने रुपये मिलते हैं इसके? 273 रुपये। और कितने दिन में तैयार करती है इसको? 8 दिन में। यानी कितने रुपए पड़ गए पर डे के? इतना मैथ नहीं आता, हिसाब लगाइए ज़रा। 8 दिन में अगर 8 हिस्से करे जाएँ इसके, 300 के अगर हम करते हैं 5 हिस्से तो 50 रुपये पर डे होते हैं, ये तो उससे भी ज़्यादा कम हो रहा, करीब ऐसे ही हो रहा 30-40 रुपये हैं, और उसमें इतनी मेहनत। वो कितने दिन दिन में कितनी देर तक काम करती हो ये? 10 बजे से 2 बजे तक, यानी कि 4 घंटे रोज़ काम करती हो तो 8 दिन में ही तैयार हो जाता है, 4 घंटे देती हूँ। और सिलाई तो आती है ना तेरे को? हाँ। वीडियो देख के सीख रही है मेरी कुछ? हाँ। और कुछ वीडियो से क्या क्या सीखा तूने मेरी? तो वो बनाया करना, इसमें इतनी मेहनत लग रही है, ठीक है 4 घंटे, लेकिन अपना अपना काम है, अब खाली रहती है तो आप देखो। अब दोस्तों इनकी ये मेहनत देखो, हम 4 घंटे रोज़ बैठते हैं, इस हिसाब से अगर 8 को 4 से गुणा करा जाए तो 32 घंटे में ये तैयार होता है। और 32 घंटे की क्या कीमत है? मात्र 272 रुपये, यही ना, 273 रुपये, कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं बता रहा था कि आपको जब मैं प्राइस बताऊंगा तो आप शौक हो जाओगे, क्योंकि मैं खुद हिल गया। कम से कम इसके मेरे हिसाब से 1000 रुपये भी होते तो एक एक काम के लिए मतलब बढ़िया रहता। और ज़्यादातर कस्बे में, छोटे शहरों में और गाँव में इस तरीके के काम बहुत होते हैं, और लेडीज़ें खाली होती हैं तो अपने घर में ही बैठे बैठे ये काम कर लेती हैं, और अपनी अपनी पसंद है। पहले मेरी मम्मी भी किसी टाइम पे करती थी, लेकिन वो पीस बनाती थी। आज के टाइम पे मम्मी कोई काम नहीं करती, हम करने ही नहीं देते। और यहाँ पे देखिए बहन कर रही है, मैं तो इनको भी मना करता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं काम करने की, मेरे से ही पैसे ले लिया करो, लेकिन नहीं, मेहनत करना इनको ज़्यादा पसंद है। अपना वक्त पर नमाज़ 5 टाइम पढ़ती है तुम तीनों? हाँ चलो बस नमाज पढ़ते रहा करो, अल्लाह का नाम लेके काम करते रहा करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तू सूट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर, ठीक है? तू तो सूट बहुत अच्छा बनाती है ना, ये सब तुमने अपने आप बना रखे ना जितने पहने? तो लोगों आप इनका काम देखो, मेहनत का काम है, लगी रहती हैं, छोटी सी दुकान है उसमें भी कहीं ना कहीं आते जाते रहते हैं, तो इस तरीके से ये काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों बहुत अच्छा लगा इनका काम देख के, ये भी एक तरीके का टैलेंट है। ये अभी घर पे काम बना रही हैं, तो इस तरीके से अगर यही काम ये खुद बनाकर किसी को लहंगा तैयार करके दें तो ये अच्छे प्राइस ले सकती हैं, और आराम से ऑनलाइन भी बेचना चाहें तो बेच सकती हैं। ये मेरी सगी बुआ की लड़की हैं, और करीब 4 साल पहले जब मेरा चैनल बना था तो इनके फादर की डेथ भी हो गई थी, तो आप लोग दुआ करें कि इनके मतलब फादर के लिए कि इनकी जन्नत में आला से आला मकान अता इनायत अता फरमाए अल्लाह ताला। तो बस लगी रहती हैं तीनों बच्ची, और ये भाई है, ये इधर आते उस्मान, ये देखो ये भाई है, ठीक है? तो ठीक है थोड़ा पीछे हो जा, अब ये रात में इस टाइम गर्मी इतनी हो रही है, देखो पंखा बंद करा दे, पंखा चालू कर देना, कर दिया ठीक? तो ये रात में अभी नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, और सब लोग बस मिले काम कर रहे हैं। ये कहाँ पे चढ़ा रखा है तूने इसको? ओए ये देखो, तो यहाँ पे बस इस तरीके का, ये बुआ के यहाँ पर मैं आया हूँ, देखो तीनों लगी पड़ी थी, तो मैंने सोचा चलो एक ब्लॉग तो बना ही दें। तो दोस्तों कोई भी काम करो मेहनत से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो कितनी मेहनत से लगी हुई है तीनों की तीनों, तो इसी तरीके से काम होता रहता है। चलिए अब यहाँ से हम चलते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, इतनी गर्मी में तीनों बच्चियाँ लगी हुई थी, और सिर्फ कितने 273 रुपये में ये बनाती हैं इस तरीके का काम। कोई चुन्नी होती है, कोई साड़ी होती है, और उसी हिसाब से प्राइस होते हैं इसके। कटदाने का काम इसे कहते हैं, कालचोबी का काम। और इसका जो मैंने अभी हिसाब लगाया ना मोबाइल जब कट करा था बीच में, तो 33 से 34 रुपये पर डे के पड़ रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से इतना कम है कि अगर आप सिलाई का काम सीख जाते हो और किसी की अल्ट्रेशन भी कर देते हो तो वो भी बंदा दे जाता है, और वो अल्ट्रेशन 5 से 10 मिनट में हो जाती है। और ये 8 दिन लगती हैं लगातार, तब जाके इनको 273 मिलते हैं, और 4 घंटे के सिर्फ 33 रुपये, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी बहुत कम है। और पीछे देखें, थोड़ी आपको हरियाली भी दिखा रहा था, ये बुआ के घर से निकलते ही ये करेले हैं क्या? ये देखिए करेले के झामे कहते हैं हमारे यहाँ इसको, हरियाली आप देख सकते हो, ज़बरदस्त व्यू है। और इस तरीके से देखिए वहाँ पे धूप है, रिफ्लेक्शन शायद आता हो ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों अब मैं यूसुफ भाई के घर की तरफ जा रहा हूँ। दोस्तों मैं यूसुफ भाई के घर पे तो आ गया, लेकिन मैं यहाँ का ब्लॉग नहीं बना पाऊँगा, ये मैं किसी ब्लॉग में और दिखाऊँगा इनका घर, ठीक है? आप उसकी पार्किंग और इनका घर कितना बड़ा है, क्योंकि शहरों के मुकाबले यहाँ पे कस्बे में या छोटे शहरों में घर काफ़ी बड़े होते हैं।
और सबसे बड़ी बात तो मैं यहाँ पे वीडियो नहीं बना पा रहा क्योंकि यहाँ ना बराबर में किसी का घर बन रहा था और वहाँ पे लैंडर डल रहा था, तो इतना शोर शराबा था कि अगर मैं माइक भी लेता ना तो भी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आती, इसलिए मैंने बनाया नहीं। तो फिर भी मैं इनके घर के बैक का आपको थोड़ा बैकग्राउंड दिखा देता हूँ क्योंकि वहाँ पे ना हरियाली बहुत अच्छी हो रही है, आप वहाँ की हरियाली देखना और बहुत मज़ा आएगा आपको हरियाली देखना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जहाँ मेरी उंगली का सिदाई कर रहा हूँ मैं, इसके बराबर वाला घर बुआ का है। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये जो घर है ना, ठीक है, यहाँ पे बराबर में घर बुआ का है। और आप इसका आप थोड़ा सा ये देखिए, हरियाली देखें, मैंने उस टाइम आपको दिखाया था, इसको हम झामे कहते हैं। और क्या क्या लगा है बाकी पता नहीं है, सफ़ेदे का पेड़। और अब मैं आपको थोड़ा बैक साइड से दिखा देता हूँ, ये यूसुफ भाई के मकान की, देखिए हम यहाँ पे खड़े ऊपर और यहाँ से आप देखिए इसका व्यू, तो बिल्कुल घर के जस्ट पीछे आप देखिए क्या लगाया हुआ है। मुझे मालूम नहीं, कोई अगर जानकार होता तो मैं उससे पूछ के आपको बताता। और आप देखिए हरियाली देखो कितना मतलब मस्त लग रहा है, ये पेड़ पूरी हरियाली है। और एक तरीके का ये है कि मतलब अलग ही मज़ा आता है मेरे को तो ख़ास तौर पे, क्योंकि ना यहाँ पे एक चीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमें मिलता है प्लस पॉइंट, यहाँ पे ना ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, सुकून की ज़िंदगी है। शहरों में कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो चीज़ नहीं है, ना इतना पोल्यूशन होता है यहाँ पर, दिल्ली के मुकाबले यहाँ पे बहुत कम है। बाकी तो यहाँ के रहने वाले लोग जानते होंगे, आप हरियाली देख सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से देखिए यहाँ पे कुछ लगाया, हो सकता है गेहूँ लगाया हो, कह नहीं सकता मैं, मालूम नहीं मुझे। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, यहाँ पर बैकग्राउंड में इनका घर दिखता है। और ये बराबर में ये मैं छत से बना रहा हूँ, ये खाली जगह है किसी की। और जो मकान बन रहा था वो मकान मैं आपको दिखा देता हूँ, वो छत देखिए आप, मैं यहाँ से खड़ा हूँ तो छत आप देख सकते हैं, छत काफ़ी बड़ी है खुली खुली। और आपको मैं बता देता हूँ, जो लेंटर पड़ रहा था ना उसकी वजह से मैं नहीं बना पाया, मैं किसी और ब्लॉग में वो घर जरूर दिखाऊंगा इनका। तो देखिए सामने मकान बन रहा है, मजदूर आपको दिखते होंगे, यहाँ पर लेंटर पड़ा था, सुबह से शोर था बहुत ज़्यादा, धूल मिट्टी भी उड़ रही थी, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो काम मेरे ख्याल लगभग फिनिश हो चुका है यहाँ का। तो चलिए किसी नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों हम आपको दिखाएंगे पूरा का पूरा यूसुफ भाई के घर का टूर। दोस्तों टूर तो हम कराएंगे आपको, लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना कि मैं जो ब्लॉग बना रहा हूँ, एक तो इसके अंदर मैं एडिटिंग भी खुद कर रहा हूँ ज़्यादातर ब्लॉग में, सिर्फ एक मशीन वाले ब्लॉग में बड़े भाई ताहिल ने जो है एडिटिंग करी है, लेकिन ये जितने भी ब्लॉग मैंने अपलोड किए हैं अपने इस चैनल पर, ये एडिटिंग मैंने करी है। इससे थोड़ा बहुत मैं सीख भी रहा हूँ कि खुद एडिटिंग वगैरह, तो कैसी एडिटिंग कर रहा हूँ, और हो सकता है आने वाले टाइम में मैं वॉइस ओवर करूं, क्योंकि वॉइस ओवर में क्वालिटी अच्छी आती है, लेकिन उसके लिए मेरे को इतना मालूम नहीं कि वॉइस ओवर कैसे किया जाता है, लेकिन आने वाले टाइम में ये भी सीखेंगे। एडिटिंग के बारे में भी नहीं पता था, कहीं ना कहीं एडिटिंग करने लग गया तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए सीखने से हर इंसान सीखता है, आप चाहे सिलाई का काम सीखें, चाहे कोई भी काम सीखें, यूट्यूब तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कुछ भी सीखने के लिए, आपको लोग यहाँ बताते रहते हैं। और काफ़ी लोग कहते हैं मेरे से चैनल के लिए, दोस्तों आपके पास कोई भी टैलेंट है अपना टैलेंट यूट्यूब पर जरूर लेके आऊँ, आपको सिर्फ यूट्यूब पर लिखना होगा कि न्यू यूट्यूब चैनल को कैसे क्रिएट करें, कैसे बनाएं, आपको हज़ारों लोग मिल जाएंगे, जिसका भी आपको समझ आता है बढ़िया तरीके से समझाता है उसको समझ के आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं। और जो भी टैलेंट हो आपके अंदर, चाहे ब्लॉगिंग का हो, किसी काम के रिलेटेड हो, तो दोस्तों आप वहाँ पर सिखाएं, और आपका ज्ञान आपके पास ही नहीं रहना चाहिए और लोगों तक भी पहुँचना चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों चलते हैं, आगे मिलेंगे हम किसी और अलग वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।